हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अलग ही तरह की रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम नेनुआ की सब्जी बनाने वाले हैं। एकदम ही मुझे फ्रेश एकदम नेनुआ मिला तो मैं सोची आज इसकी सब्जी की वीडियो क्यों नहीं डाली जाए। तो एकदम ही फ्रेश छोटे साइज के हमने नेनुआ लाए हैं, कम से कम 2 केजी है ये नेनुआ। और इसको हमने छील करके एकदम ही इतने पतले पतले स्लाइस में काट ली हूँ। इसको हमने हल्का सा, आप चाहे तो इसे हल्का सा चाकू से रोल करके भी इसका ऊपर का स्किन निकाल सकते हैं, नहीं तो आप जैसे आलू पील करते हैं उस तरह से इसे आप पील कर लीजिए और निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में आप इस तरह से काट करके रेडी कर लीजिए। ये एकदम ही पतले स्लाइस में काटी हूँ, ये बहुत जल्दी गल जाता है और ये देखने में इतना तो लग रहा है लेकिन ये पकने के बाद इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। तो इधर हमने कुकिंग ऑयल गरम होने रख दिया है, अच्छा सा कुकिंग ऑयल गरम हो गया है यहाँ पे मेरा। तो इस स्टेज पे हमने एक सूखी लाल मिर्च ली हूँ, इसे डाल दूंगी, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी राई, इन सब चीजों को मैं एक साथ डाल देती हूँ, क्रैकल करने दूंगी। काफी हेल्दी बोल सकते हैं सब्जियों में से है क्योंकि इसमें मसाले बहुत कम लगते हैं और जितना आप चाहे तो कम से कम ऑयल में इसे बना भी सकते हैं, बहुत टेस्टी और काफी अच्छी सब्जी बनती है। हाँ, इसे बनने में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये नेनुआ जो है वो थोड़ा सा पानी रिलीज करता है तो थोड़ा उसे सूखने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ हमने कड़ी पत्ता और कुछ हरी मिर्चें ली हूँ जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं। कुछ हरी मिर्च अपने आपको लगता है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। साथ में हमने एक प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट कर ली हूँ, इसे भी डाल दिया और इन सबको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून करके रेडी कर लेते हैं। ये प्याज अच्छा सा भून गया है। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ली हूँ, हल्दी आधी छोटी चम्मच, जिससे कि काफी अच्छी कलर भी आएगी और टेस्ट भी आएगी। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने हरी मिर्चें डाल के रखी है। ये थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर लिया है, ये बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो इन सब चीजों को मैं डाल दूंगी, साथ में मैं थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी सब्जियां हैं उस हिसाब से। इसे हमें हल्का सा भूनना है, बस बोल सकते हैं कि ऑयल में मसाले प्याज के साथ इसे मिक्स करना है, भूनने की जरूरत नहीं है ज्यादा हमें। अब ये जो नेनुआ ली हूँ इसे डाल दूंगी, और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज्यादा भूनना नहीं है, बस मसाले नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे कि ये देखिएगा जैसे ही ये नमक और हीट के ये में जाता है नेनुआ तो वैसे वैसे ये एकदम ही सॉफ्ट होता चला जाएगा और बहुत ही इसकी कम क्वांटिटी बचेगी फ्रेंड। बहुत बहुत ज़्यादा ये पानी ये करता है और बहुत जल्दी ये सॉफ्ट भी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि बीच में थोड़ा सा इस तरह से स्पेस बनाऊंगी और ये हमने ओवरनाइट सोक करके चना दाल ली हूँ, इसे डाल दूंगी।
बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी सब्जी बनेगी। उसके बाद इसे हल्का सा मैं कवर कर दूंगी। कवर करने से दाल भी अच्छे से पक जाएगी और काफी टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा इसमें आधा कप के ये मैं पानी डाल दूंगी। और इसे कम से कम इसी तरह से 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी, लेकिन बीच बीच में एक दो बार जरूर चला दूंगी। चलाने से क्या होगा कि दाल जो है अच्छे से इक्वली पकेगा भी, और सब्जियां जो है जो ऊपर रह गए हैं वो भी अच्छे से मिक्सअप होकर के पक जाएंगे। तो इसे हम 5 मिनट तक बीच बीच में एक दो बार चला दूंगी और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये 2 मिनट हो गए और देख सकते हैं कि सब्जी बहुत कम हो गया है और काफी कुछ पक गया है। तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से चला देंगे और फिर इसे हम जितनी ये पानी है इसको अच्छा सा एकदम ड्राई होने तक पका करके रेडी करेंगे। और इसकी फ्लेम फ्रेन हाई फ्लेम में नहीं बनाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, जिससे कि ये नेनुआ जो है वो भी पक जाएगा और काफी अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। तो फ्रेंड इसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम तो इसे नेनुआ बोलते हैं, आप क्या बोलते हो मुझे जरूर बताइए। ये लगभग 5 मिनट हो गए, देख सकते हैं कि सब्जी कितनी सी हो गई है, एकदम ही गल गई है पूरी सब्जी। और ये सब्जी भी अच्छी खासी तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी लग रहा है। आपको एक दाल निकाल के दिखाऊंगी, ये भी देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है। इसका मतलब कि ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है। गैस को कर देते हैं बंद। बंद करने के बाद आपको डिस्प्ले दिखाएंगे, बहुत ही यमी और काफी टेस्टी। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है फ्रेंड्स। इसमें आपने देखा ना मसाले भी कितना कम है और काफी टेस्टी भी बना है। और इसमें बोल सकते हैं तो ऑयल भी बहुत ही कम लगा है, तो ये काफी हेल्दी और टेस्टी सब्जी है ना। इसकी सब्जी बहुत लोगों को नहीं पता है कि इस तरह से भी हम बना सकते हैं, तो इसे जरूर आप इस तरह से ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारी नेनुआ की सब्जी बन करके रेडी हो गई, काफी टेस्टी और यमी लग रहा है ना। तो इसे आप भी ट्राई कीजिए और हमें भी अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए। अच्छी लग रही है ना सब्जी, काफी टेस्टी और यमी। तो सब्जी तो बहुत ही टेस्टी और यमी बना है। इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म पराठे के साथ, जो कि काफी टेस्टी और अच्छी लगती है। ये सब्जी पराठे पूरी के साथ मुझे तो बहुत पसंद है फ्रेंड। आप भी बताइए कि आपको इस तरह की सब्जी बना करके कैसा लगा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।